नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। यूएनएससी के चार परमानेंट देशों ने मोदी को दी बधाई, लेकिन चीन ने कश्मीर पर भारत को दी धमकी। मोदी के शपथ ग्रहण में न्योता पाकर भावुक हुए मोइजू, अब बोला ऐसी बात कि जीत गए 140 करोड़ भारतीयों का दिल। इसराइल ने गाजा में चलाया खतरनाक ऑपरेशन, 210 फिलिस्तीनियों को मारकर अपने चार बंधकों को वापस छुड़ाया। यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट में डाला। गाजा के 15,000 बच्चों को मारकर यूएन में ब्लैकलिस्ट हुआ इसराइल। पाकिस्तान में 5 बार क्रैश हुआ चीन का कबाड़ू J-17 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान का एक पूर्व पागल मंत्री बोला, अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो पाकिस्तान को फ्री वीजा देना होगा। पाकिस्तान ने पहली बार मोदी को बधाई न देने के पीछे का कारण बताया। वीडियो में जानेंगे इन सभी हेडलाइंस के अलावा और भी बहुत कुछ। चीन और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान के लिए संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपैक का विरोध भारत कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के माध्यम से बनाया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एससीओ में स्पष्ट किया था कि कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन यह किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं कर सकती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा का समापन चीन निवेश और सहयोग को बढ़ाने पर जोर देते हुए किया। इसी बीच 4 P5 देशों के नेताओं ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से अभी तक कोई बधाई संदेश नहीं आया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना सम्मान की बात है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के बदले सुर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस यात्रा से यह साफ हो जाएगा कि दोनों देशों के बीच संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसराइल ने हमास की कैद से 4 बंधक छुड़ाए, बड़ी सैन्य कार्यवाही में सैकड़ों हताहत। इसराइल ने गाजा से एक बड़े सैन्य अभियान के तहत हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ाया, जिसमें 25 साल की नोआ अगरमानी भी शामिल है। उन्हें हमास लड़ाके जबरन मोटरसाइकिल पर उठा ले गए थे। इस ऑपरेशन में कम से कम 210 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 116 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उनका एक सैनिक भी इस ऑपरेशन में मारा गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका की होस्टेज यूनिट ने इजरायल की मदद की। छुड़ाए गए बंधकों में नोआ के अलावा 3 युवक भी शामिल हैं। नोआ का वीडियो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद वायरल हुआ था। इजरायली राष्ट्रपति ने 4 बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई और इसे मार्मिक खबर बताया। उन्होंने कहा कि अब 4 बंधक अपने परिवार के पास जा सके हैं। इसराइल ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। नुसेरत इलाके में छापेमारी अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और कम से कम 210 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भी इजरायली सैन्य अभियान के दौरान 4 बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई और कहा कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए और युद्ध समाप्त होना चाहिए। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 36,731 हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को शर्मनाक देशों की लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे नाम भी शामिल हैं। इसराइल हमास जंग में अब तक 15,571 बच्चों की जान गई। यूएन ने इसराइली हमलों में हुई इन हत्याओं को दुनिया के लिए शर्मनाक माना है और इसराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सेना में सबसे ज्यादा इंसानियत है। पाकिस्तान का JF थंडर फाइटर जेट हुआ क्रैश। पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट JF थंडर एक बार फिर क्रैश हो गया, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस हादसे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान का झूठ उजागर हो गया। इससे पहले 21 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज 5 रोज 3 फाइटर जेट क्रैश हो गया। अब तक 5 JF-17 थंडर क्रैश हो चुके हैं। म्यांमार को बेचे गए JF-17 में भी कई खराबियां पाई गई थी।
पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी फवाद चौधरी के बदले सुर, अब भारत से करने लगे व्यापार की गुहार। फवाद चौधरी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने तरक्की की तो किसी एक देश ने नहीं बल्कि सब ने साथ में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को आर्थिक शक्ति बनना है तो उसे पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वीजा फ्री करने की वकालत की। दोस्तों, अगर भारत पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री कर देता है तो क्या होगा, जरा नीचे कमेंट में बताएं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई क्यों नहीं दी। प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि यह भारतीय नागरिकों का अधिकार है कि वो अपनी सरकार चुने और हम उनकी चुनाव प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बलोच ने कहा कि नई सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर शपथ नहीं ली है, इसलिए बधाई देने का सवाल जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है और कश्मीर समेत हर मसला बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार है। ब्रिटेन, फिर एक बार अस्पताल में भर्ती हुए किंग चार्ल्स, लंदन में हुआ इलाज, प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं। 75 वर्षीय ब्रिटेन के राजा बड़े हुए प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए डॉक्टरों की निगरानी में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूएस, सैन्य सहायता पैकेज में देरी के लिए बाइडन ने मांगी यूक्रेन से माफी, कहा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड ने उठाया बड़ा कदम, खत्म कर दी वीजा की टेंशन। थाईलैंड की सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए देश में वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 2 महीने के लिए वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी, यानी अब भारतीय पासपोर्ट रखने वालों को थाईलैंड घूमने जाने के लिए वीजा लेने की टेंशन करने की जरूरत नहीं। भारत से बातचीत को गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी राजदूत, करने लगे पड़ोसी पहले वाली बात, कर डाली अपील। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि भारत की प्राथमिकता में पहले पड़ोसी होने चाहिए। एक पॉडकास्ट में चर्चा के दौरान पाकिस्तानी राजनयिक के बयान में नए भारत की ताकत का डर भी दिखा। उन्होंने भारत से एक शांतिपूर्ण पड़ोसी बनने की अपील करते हुए पाकिस्तान के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया। पहली बार चांद तक पहुंचने वाले अपोलो 8 मिशन के एस्ट्रोनॉट बिल एंडर्स एस्ट्रोनॉट का प्लेन क्रैश, मौत। 90 की उम्र में अकेले उड़ान भरी थी, 56 साल पहले चांद के 10 चक्कर लगाए। पेरिस में जेलेंस्की से मिले मैक्रोन और बाइडन, रूस को दी चेतावनी। पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने का वादा किया। बाइडन ने कहा कि पुतिन का आक्रमण सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरे यूरोप को खतरा होगा। मैक्रोन ने बाइडन को दुनिया की नंबर एक शक्ति के राष्ट्रपति होने के लिए धन्यवाद दिया और यूक्रेन के लिए समर्थन की मांग की। बाइडन ने भी समर्थन का वचन दिया। बाइडन बुधवार से ही फ्रांस में हैं। उन्होंने डी-डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित स्मरणोत्सव में भाग लिया। 2024 के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जहां बाइडन अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क की पीएम मैट फ्रेडरिक्सन पर हमला, आरोपी ने पीछे से धक्का दिया, गिरफ्तार। ईयू चुनाव के लिए प्रचार करके लौट रही थी। आरोपी ने पीछे से आकर फ्रेडरिक्सन को जोर से धक्का मारा, इससे वो लड़खड़ा गई। हालांकि कोपेनहेगन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यह हमला यूरोपियन यूनियन चुनाव से ठीक पहले हुआ। ईयू के चुनाव 9 जून को होने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। कमेंट में आप अपनी राय नीचे ज़रूर लिखें और नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।